तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज मैं आपको एक एम्बोडी मशीन में कमाल का ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये दोस्तों ये हमारा मशीन है। हमारा मशीन ज़्यादातर बैक का डिज़ाइन हम बनाते हैं, जैसे फ्रेमिंग का डिज़ाइन ज़्यादा चलता है हमारे यहाँ। दोस्तों, मैं आपको जैसे छोटे छोटे डिज़ाइन है आपको, ठीक है, जैसे आपको दो डिज़ाइन हो और दोनों डिज़ाइन अलग अलग फोल्डर में हो, उसे एक साथ अपने मॉनिटर से किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मॉनिटर का फेस है। जैसे मान लो आपका डिज़ाइन अलग अलग जगह पे अपने मॉनिटर में ही अलग अलग नंबर पे है, और उसको आप एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं, उसके गैप कितना रख सकते हैं, सारे मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, हमारे वीडियो पे बने रहिए। अगर हमारे वीडियो पे आप नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हाफ ड्राइव मारना हो, इसको एक बार इंटर को, उसके बाद सीधे फाइल वाले ऑप्शन पे आना हो। फाइल वाले ऑप्शन पे आने के बाद उसका दोस्तों फाइल वाले ऑप्शन पे आना है। फाइल वाले ऑप्शन पे आने हैं आपको, आना है कैंपेन पे 8 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर पे आना है। 8 नंबर पे आने के बाद सिंपल आपको इंटर दबाना है। ठीक है दोस्तों, इंटर दबाने के बाद इसे आपके सारे डिजाइन के मॉनिटर में जितने डिजाइन लोड है वो आपके खुल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे आप कहीं भी, जैसे ये 1 नंबर का डिजाइन है और ये 2 नंबर का डिजाइन है, जैसे इन दोनों को आपको एक साथ जोड़ना हो, जैसे कोई भी डिजाइन आप मान लो। ठीक है दोस्तों, जैसे ये हमारा डिजाइन है और ये छोटे छोटे डिजाइन है, ठीक है, 6 नंबर और 7 नंबर, इन दोनों डिजाइन को हम एक साथ में किस तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप मान लो पहला सेलेक्ट कर लिया ये है, मान लो ये हमें करना है और 6 और 7 का करना है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा इंटर दबाना है, उसके बाद ये दूसरा मांग रहा, फिर वापस वैसे ही ऑप्शन खुलेगा। एक हमने सेलेक्ट कर लिया है और दूसरा डिजाइन ये सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि आप दूसरा डिजाइन सेलेक्ट करो जो साथ में आप रखना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो हमने 6 नंबर का करा था, अब हमने ये 7 नंबर पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको गैप एक्स में कितना रखना है और वाई में कितना रखना है। ठीक है दोस्तों, जो डिजाइन की दूरी रहेगा वो कितना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम मान लो ज़्यादा नहीं रखते हैं, 20 20 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्स में और वाई में भी 20 कर देते हैं। ठीक है, वैसे आपको जितना रखना है आप उतना रख सकते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सिंपल सा इंटर दबाना है। ठीक है दोस्तों, इंटर दबाना है, तो ये हमारा डिजाइन दोनों एक साथ में जुड़ के ये हमारा 2 नंबर पे चलेगा, इनपुट यू न्यू डिजाइन 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सिंपल सा हमें इंटर दबाना है। अब हमें वापस जाना है, 1 नंबर पे आना है, सेलेक्ट डिजाइन फॉर एम्बोडी है। जैसे हम 1 नंबर पे आए, सिंपल इंटर दबाना है आपको। ठीक है, हमें 1 नंबर पे आना है दोस्तों, ये हमारा दोनों डिजाइन ये एक साथ जुड़ गए। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो या सही जानकारी है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एम्बोडी के बारे में नए नए टिप्स लाते रहता हूँ। धन्यवाद।